अगर कभी किसी की बातों को पानी देना हो तो एक बार भी पाकिस्तान पर भरोसा कर लेना, पर भूलकर भी डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन किया तो निसंदेह छोटी बड़ी सभी शर्तों पर मुंह की खानी पड़ेगी। यह महाराज कुछ अलग हटके है, और इतना हटके है कि पाकिस्तानियों की दृष्टि के अनुसार कश्मीर में इसी का बीज बोया हुआ है। यानी इमरान खान न 22 जुलाई को सलवार कुर्ते पर प्रेस मारता और न उसकी सलवटे पाकिस्तान की हीरा मंडी पर स्पीड ब्रेकर बनाती। कल से अब तक ट्रंप इतनी पलटी मार चुके हैं कि उनकी जीभ को भी समझ नहीं आ रहा है कि अगली बार तालू से कितने प्रतिशत की छलांग लगानी है। दरअसल गत रविवार को व्हाइट हाउस ने सीरिया की उत्तरी सीमा से अमरीकी सैनिकों को बुलाने का ऐलान किया था। सीरिया में अमेरिका और कुर्द एक सहयोगी के रूप में इस्लामिक स्टेट यानी आईएस से लड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सीरिया और अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों को वापस बुलाने का वादा किया था। कल ट्रंप ने कहा था कि तुर्की के अभियान के लिए सैनिकों को हटाया जा रहा है, जिसके बाद तुर्की को लगा कि एर्दोगन की पतलून सीरिया में सुखाने का उपयुक्त समय है। पर मामला तब बिगड़ा जब तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने ऐलान किया कि उनकी सेना सीरिया में कुर्दों के खिलाफ अभियान छेड़ने को तैयार है। गौरतलब है कि कुर्दों और तुर्की के बीच 36 का आंकड़ा है। कुर्द तुर्की के हिस्से पर अपना दावा ठोकते रहे हैं। दोनों ओर से कई बार झड़पें भी हो चुकी है। एर्दोगन की इसी चेतावनी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मारी। उन्होंने तुरंत तुर्की को चेताया कि अगर अमरीकी सैनिकों या सहयोगियों को कोई नुकसान पहुंचा तो वह उसकी अर्थव्यवस्था को खा जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में तुर्की की फिरकी घुमाई उससे एर्दोगन की तो फटी, कुर्दों को फिर से हौसला मिला है। यहां पर आईएस का सफाया करने में जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका का साथ दिया वो कुर्द सेना ही थी। कुर्द सेना में काफी संख्या में 18 से 25 के बीच की सैकड़ों महिलाओं ने आईएस के खात्मे के लिए बंदूकें हाथ में उठाई। इसका नतीजा आईएस का वहां से खात्मा और उनकी जीत थी, लेकिन अभी यही जीत उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या बनती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने कुर्दिशों को लड़ाई के लिए शस्त्र और ट्रेनिंग दी, अब अमेरिका उन्हें छोड़कर जाता है तो कुर्दिशों का भविष्य मुश्किल में पड़ जाएगा। कुर्दिशों को सबसे बड़ी दिक्कत तुर्की से है, जो उन्हें अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु मानता है। बड़ी बात यह है कि उत्तरी सीरिया में अमेरिका के 1000 सैनिक तैनात हैं। इनके हटते ही यहां कुर्द और तुर्की के बीच जबरदस्त ठन जाएगी। इसका मतलब यह है कि इमरान के इस्लामिक चैनल का सीईओ ट्रंप की घोषणा से मात्र कुछ घंटे ही हवा में उड़ा। उसके बाद ट्रंप की पलटी ने इसकी पलट दी। वैसे भी चरमपंथी इस्लाम का फोबिया खड़ा करने में तुर्की की भी सहभागिता रही है, क्योंकि चीन के बाद यही मुल्क है जिसने पाकिस्तान की पीठ पर घी की मालिश की है। एर्दोगन खुद एक तानाशाह है और संविधान से खिलवाड़ करके तुर्की के राष्ट्रपति के पद पर जमा हुआ है। हालांकि तुर्की नाटो का सदस्य देश है, वह एक दशक तक अमेरिका के काफी करीब रहा है, लेकिन पिछले साल एर्दोगन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के रिश्ते अब निचले स्तर पर चल रहे हैं। तुर्की द्वारा S-400 रूसी मिसाइल प्रणाली की डील ने भी आग में घी का काम किया है। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को लेकर सदैव ही सख्त बयान देते रहे हैं, परंतु जिस प्रकार का बयान ट्रंप द्वारा आज दिया गया उसने तुर्की की नींद उड़ा दी है। लेकिन यह बयान तभी तक कारगर है अगर डोनाल्ड ट्रंप इससे पलटी ना मारे। वैसे ट्रंप महाराज का भरोसा कुछ नहीं है। कल सुबह सोकर उठे और भारत के पीएम मोदी को फोन करके कहे कि पाकिस्तान से पीओके अब तक वापिस क्यों नहीं लिया है, डील तो पूरे कश्मीर की हुई थी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।